अगली सुबह हम लोग उठते हैं, हमें Oppo F7 फोन पे मैसेज आया, गुड मॉर्निंग रोडीज, गुड मॉर्निंग। रफ्तार गैंग ने कल की टास्क में इम्यूनिटी हासिल कर ली है, बाकी सबको एक और मौका है इम्यूनिटी जीतने का, तो तैयार हो जाओ एंड मीट मी एट द टास्क लोकेशन। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर आज मुझे इम्यूनिटी नहीं मिली तो मैं जा रहा हूँ घर। हम लोग रेडी हुए, हम लोग अपनी नेक्स्ट टास्क लोकेशन के लिए निकल गए। जब हम टास्क लोकेशन पे पहुंचे, वहाँ पे एक लंबी सी रेलिंग थी जिसके साइड में एक रेनो डस्टर खड़ी हुई थी, एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा होगा, कुछ बैलेंस का टास्क है, कुछ है। नेहा का गैंग, निखिल का गैंग और प्रिंस के गैंग के पास आज अपॉर्चुनिटी है कि वो एक इम्यूनिटी जीत जाए, लेकिन ऑब्वियसली इतना सुनहरा मौका आसान नहीं होगा। इसके लिए मेरी एक दोस्त आपके लिए कुछ घमासान चैलेंज लेकर आई है। उस डस्टर से निकलते हैं गेलिन, एक्स फाइनलिस्ट एंड एक्स विनर्स श्वेता मेहता, बलराज और गौरव। श्वेता पिछला सीजन जीती थी रोडीज राइजिंग। बलराज जीते थे X4। गौरव X4 के फाइनलिस्ट रह चुके हैं। ओह, व्हाट? अब क्या होने वाला है? मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी। उन चारों में से एक चेहरा ऐसा था जो मेरा चढ़ी बड़ी है, वो था गौरव। What's up guys? What's up? श्रुति को टास्क मत करवाना आज। श्रुति का दोस्त आया। श्वेता, बलराज, श्वेता और गौरव, not just ex roadies, but 2 winners and 1 finalist. ये हमारे रोडीज के लिए कुछ अच्छा नहीं हो सकता। रोडीज, मैंने सुना है कि आप सभी को चैलेंजेस बहुत पसंद है, राइट? यस। गुड न्यूज, ये तीनों सिर्फ एक्स रोडीज नहीं, आज के 3 चैलेंजेस। अब लग रहा था कि हाँ, कंपटीशन जो है इस बार का वो एक्सट्रीम पहुंच चुका है। अगर आप लोगों को इम्यूनिटी जीतनी है तो आपको इनमें से किसी एक को चैलेंज करना है और उनको एक टास्क में हराना है। जिसने चैलेंज जीत लिया उनको मिलेगी इम्यूनिटी, जिसने चैलेंज नहीं जीता वो जाएंगे वोट आउट में, और जो चैलेंज नहीं करेंगे, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो भी जाएंगे वोट आउट। सबसे पहले रफ्तार का गैंग बाय द वे इम्यून है। बाकी 3 गैंग में से कौन कौन श्वेता को चैलेंज करना चाहता है? श्वेता, I have not come here to prove anything. I have done with Neha ma'am in last season. This is your chance. So all the best. मैंने सुना है कि यहाँ पे कुछ लोग मेरी याद दिलाते हैं, पर किसी की तरह बनना या किसी की जगह लेना अलग अलग बातें हैं। उसका इशारा मेरी तरफ था, बट मैं यहाँ पे किसी के जैसी बनने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे खुद अपना नाम बनाने आई हूँ। श्वेता, डिसीजन टाइम, किसका चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहती हो? आई हैव एक्चुअली कम टू मेक योर रोडीज एक्सट्रीम अ लिटिल मोर एक्सट्रीम। आई विल गो विद प्रिंस और गैंग्स। या प्रीति, यही तो चाहिए था मुझे लाइफ में। मुझे इस लड़की के साथ कंपटीशन करना था और ये दिन आ गया। ओके, नेक्स्ट। सेकंड बारी आई गौरव की। गौरव को चैलेंज करा रोहन ने, मैंने और निकव ने। आपकी चॉइस है गौरव, इन्होंने आपको चैलेंज किया है। I want to put a smile on that face, the one that's on your T-shirt. Yeah, we'll do that in the task. बेस्ट फ्रेंड जो सालों सालों का बेस्ट फ्रेंड है, जिस बंदे को मैं अपने से ऊपर रखती हूँ, उसको सपोर्ट करूँ या मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को सपोर्ट करूँ जो मुझे शो में मिला है? तो मैंने कहा ये तो धर्म संकट की बात है। कौन कौन चैलेंज करना चाहता है बलराज को? नेहा मैम ने एक्चुअली मेरे हाथ निकाले पॉकेट से और मेरे पीछे पकड़ के रखे कि हाथ ऊपर मत कर। कहता मैम मेरे हाथ पकड़ो उठ जाएगा। आपने क्यों नहीं चैलेंज एक्सेप्ट किया? आपने खड़ा हाथ क्यों नहीं किया? मुझे बताओ। मेरे ओपिनियन में आई फील गौरव के साथ टक्कर का होगा। उससे मेरे साथ क्यों टक्कर का क्यों नहीं होगा? बात नहीं है, इट्स एनालाइजिंग द सिचुएशन। आप सिर्फ अपना सोच रहे हो। आपको जो लोग देख रहे हैं ना, जो आपसे भी स्ट्रांग है, जो यहाँ तक नहीं आ पाए, वो अभी पॉपकॉर्न खा रहे होंगे, देख रहे होंगे यार इससे अच्छा था मुझे ले लेते। सोचने दो। देखिए बहुत ही बड़ा गधा है वो, मुझे लग रहा है गैंग नेहा का इतना ज्यादा नाम खराब कर रहा है। I mean, अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप मेरे से लड़ सकते हो तो हाथ तो उठाओ यार। ओके, आज के टास्क का नाम है रेनो डस्टर वॉरियर बस्टर। आप सब एक ऐसा टास्क करने वाले हैं जिसमें वॉरियर्स पुराने जमाने में पार्टिसिपेट करते थे। यू नो जाउस्टिंग, या घोड़ा चलाते हुए उस स्पीयर लेके, तो उसके साथ होती है। एक तरफ से एक वॉरियर आएगा, दूसरी तरफ से पहले के रोडीज के वॉरियर, हाथ में एक वेपन। आपको एक मैट पे खड़े होकर अपने वेपन के साथ दूसरे को गिराना है। जो मैट है वो एक रेनो डस्टर के पीछे अटैच्ड है। आपको मैट पे बैलेंस करना है और उसको राइड करते हुए, क्योंकि गाड़ी उस मैट को घसीटते हुए लेकर जाएगी। जो भी मैट से नीचे गिर गए वो हार गए। जिन्होंने 3 में से 2 बारी जीत लिया वो जीत गया। उनके पास हारने के लिए कुछ नहीं था, हमारे पास हारने के लिए बहुत कुछ था, और जीतने के लिए थी हमारे पास इम्यूनिटी। लेट्स गो। गौरव रेडी? या। रोहन रेडी? यस। दिखने में काफी नेक टू नेक है कंपटीशन, बिकॉज़ दोनों का फिजिक काफी सिमिलर है। स्टार्ट योर इंजन्स। I was just hoping कि गौरव हार जाए। For the first time in my life, really wanted Rohan to win क्योंकि उसे immunity मिलती। I was going against a very strong contender, so yeah, I was very wanted to give my 100%. If anything, I wanted to give more than that. 3, 2, 1. चल रोहन, गिराना उसको। Come on, Rohan! रोहन ने क्या टक्कर दी है उसे। गौरव पूरा का पूरा हिला। रोहन, yeah, see if you can jab him. Yeah, because there's a bit of gap that it has to be done. 3, 2, 1. Run, kill him! Go. Son, जोर से। वाओ गौरव की फाइट देख के मुझे पता चल रहा था कि दोनों ही नहीं हारना चाहते। गौरव शी इज ऑल्सो फाइनलिस्ट, उसका भी प्राइड था, रोहन का भी प्राइड था कि भाई मुझे जीतना है, उसके लिए तो इम्यूनिटी भी थी। निखिल, द इम्यूनिटी इज फॉर रोहन टू विन। दिस इज द लास्ट राउंड। इफ देयर इज नो डिसीजन, ही वोंट, द मैच विल बी ओवर। अंडरस्टूड। आज लाइक कि अब लास्ट राउंड आने वाला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। आई वाज होपिंग कि प्लीज गौरव हार जा, मेरी गैंग को जरूरत है अभी। कंटेस्टेंट के साथ साथ हमारी भी टास्क देखने की वो जो उत्सुकता होती है ना, वो बहुत बढ़ गई थी कि अब होगा क्या। 3, 2, 1। Go for it, Rohan. Immunity. Gaurav, you got this. You know what to do. Give it directly. मैं बहुत क्यूरियस था कि क्या रोहन कर पाएगा, क्योंकि अब डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई थी रोहन के लिए। क्योंकि गौरव के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए है तो रोहन के पास वो है इम्यूनिटी। ओह, दैट वाज क्लोज। ड्रॉ गया, नोबडी वन और लॉस्ट, बट द इम्यूनिटी इज गॉन। Next. और उसके बाद जाती है प्रीति। श्वेता बहुत एक्सपीरियंस है, श्वेता जीत चुकी है वो, और श्वेता बहुत स्ट्रांग है, मैं उसके बाद देख चुका हूँ। पर जैसे जर्नी में मैंने प्रीति को देखा है, तो प्रीति में भी वही जुनून है पूरा। मेरे अंदर जोश था, मेरे जो फोकस था वो ये था कि मुझे अपने ओपोनेंट को गिराना है और ये टास्क जीतना है। प्रीति रेडी? Ready? Shweta, ready? Yes. मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं किसी जंग पर जा रही हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं सोच रही थी कि क्या अगर उसका जो बैम्बू स्टिक है वो मेरे मुंह पे लगेगी या मैं गाड़ी से गिर जाऊंगी, मेरा क्या होगा। श्वेता, you're good. You know what to do. श्वेता, एक अच्छी कंपटीशन है, हम सबने वो देखा है पिछले सीजन, तो हमें ये था कि प्रीति को श्वेता खा जाएगी। Come on, come on, come on. Guys, प्रीति, मार! Oh, प्रीति! No, very good, प्रीति. Very good. प्रीति, you know what to do now. उतर जा, उतर जा, उतर जा। मुझे लगा था कि श्वेता अटैक करेगी, लेकिन प्रीति अटैक कर रही थी और श्वेता डिफेंड कर रही थी। प्रीति, उसको ऐसे करके रख, और जैसे ही वो आए, अपनी बॉडी वेट के साथ धम मुंह पे। 2 राउंड रह गए, अगर इसमें नहीं हुआ तो तुम ड्रॉ और तुम भी डेंजर जोन में हो। थोड़ा आगे से पकड़, यहाँ से टाइट। मैं वही स्ट्रैटेजी के साथ पूरे जोश के साथ में मैं दोबारा निकली। Ready? 3, 2, 1. Go, प्रीति! चल प्रीति, चल! प्रीति मार, इसके मार! मैं अपने अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को पंप कर रही थी कि come on, you can do it, you have to do it. तुम्हें एक रोडीज विनर को हराना है। श्वेता, this is it. This is it. मुझे उस टाइम पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर, मुझे लग रहा था कि ये हो क्यों नहीं रहा। श्वेता लास्ट राउंड, प्रीति लास्ट राउंड, 3, 2, 1। प्रीति, लेवल देख के चल। वो बैम्बू स्टिक से मेरा पूरा शोल्डर दुख रहा था, बट मैं पूरे अपने जोश के साथ में जा रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि एक इस टास्क की वजह से मैं घर चली जाऊँ। चल प्रीति, करना पड़ेगा, मार दे, प्रीति मार दे। मार मार दे उसको। ओवर। प्रीति ने भी काफी अच्छी टक्कर दी श्वेता को, और प्रीति ने रोडीज एक्सट्रीम की नाक बचा दी। नेक्स्ट, बलराज वर्सेस कशिश। बलराज, of course, he's the winner and he's known for strength. Goes up against Kashish. I'm like, अब क्या होने वाला है? Whenever my gang performs, I'm always like this. बलराज ready? Kashish ready? Ready. बलराज का बिल्ड देख के, बलराज का फ्रेम देख के, हमें था कि आज कशिश भी नहीं जीत पाएगा। मेरे माइंड में एक बात चल रही थी कि ड्रॉ करके तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, जीत के मिल रही है इम्यूनिटी। तो मैं काफी सॉर्टेड था कि आज मुझे कुछ भी करके बलराज को हराना है, चाहे कुछ भी हो जाए आज। 3, 2, 1। Go. Come on, Kashish. Very nice. चल Kashish. Kashish, come on. मेरी आंखें बलराज को नहीं दिख रहा सामने, मैं बस अपने चैलेंजर को देख रहा था। मैंने ये नहीं देखा ये X4 का विनर है, मुझे ये था कि अब मुझे जीतना है और सिर्फ जीतना है। One hit, Kashish. Oh. लगी नहीं, कांटेक्ट ही नहीं है। पहली बार जब नहीं कर पाता है कोई तो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो माइंड में एक बात आई कि क्या मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरा भी रिजल्ट वही हो जाएगा कि ड्रॉ। कशिश। हाँ जी सर, इधर आ। हाँ सर, मैं बिल्कुल पास चल रहा हूँ, वो लोग दूर है। ठीक है, रेडी? वेट, मैं गो बोलूंगा। बलराज रेडी? कशिश रेडी? आगे रखियो पैर एक। जब मैं सेकंड बारी पे आया, मैंने सोचा कि उसको नहीं गिरा सकता शायद, बट उसकी जाउस्टिंग गिरा सकता हूँ। मैं सिर्फ उसका हाथ देख रहा था, उसका हाथ कहाँ पे है, क्योंकि मुझे हिट उसके हाथ पे लेनी थी। बाजी, कम ऑन, 1 hit। कशिश मार दे, खत्म कर दे। उसका बैम्बू गिरा दे। बाजी। वो बहुत डिसबैलेंस हुआ, बट वो बच गया। अब मैं समझ चुका था कि मुझे कहाँ एम करना है, तो अब मेरे माइंड में पिक्चर क्लियर थी। कशिश लास्ट राउंड। अब मेरे लिए ये डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई थी, या तो मैं करता या मैं बाहर जाता। जो स्ट्रेटेजी मैंने लास्ट टाइम लगाई थी वही चीज़ मैंने दोबारा माइंड में करी, बट इस बार मुझे अपनी पूरी पावर लगा देनी थी। 3, 2, 1 लास्ट राउंड, लास्ट राउंड। कम ऑन कशिश, कम ऑन कशिश। जैसे टास्क शुरू हुआ, बिजलियाँ कड़क रही थी, एकदम वॉरियर टाइप फीलिंग आ रही थी। देख के ऐसा लग रहा था यार काश मैं होता वहाँ पर लेकर वो। कशिश मार, खून कर दे। जो ये फीलिंग थी वो डिफाइन नहीं कर सकता था कि मैंने एक X4 के विनर को हरा दिया। And I was like, yes, that's my boy. चलो, that's mine and Prince's boy. उसने उड़ा दिया उसको। And I was like, we got the immunity. उधर 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 उधर, Prince sir. हम बहुत खुश थे कि ये हारे नहीं, ये जीते हैं और जो रोडीज एक्सट्रीम है वो एक्सट्रीम बन रहा है। फाइनली जब हम लोग वापस आए, उस दिन मैं स्ट्रेस में था बिकॉज जब हम लोग टास्क से वापस आए सब सो गए थे और मैं अपनी जो प्लॉटिंग थी वो कर नहीं पा रहा था। दीदी, you have to go and talk. श्रुति, ये डॉक्टर की कौन सी दवाई देके गया? खाते नींद ही नींद आ जा रही है। क्यों कर रहे हो? मेरे को बहुत गंदा हेडेक हो रहा है। तुम लोग बात क्यों समझ नहीं आ रहा है? बहुत मुस्कुरा रहे हो सोनू। सोनू मुस्कुराओ भी नहीं, क्या पूछ के मुस्कुराओ? मुस्कुराहट आ ही जाती है यार। आज वोट आउट और सब कैसे सोए हुए हैं भाई। तो हमको इतनी टेंशन नहीं थी क्योंकि हम इम्यूनिटी जीत के हीरो बन के बैठे हुए थे। शरण पूरी उसकी वाट लग चुकी थी, उसकी पेंट लगभग गीली हो गई थी, ये समझ लो। प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। हाँ भाई, बट मेरे को भी पता रहना चाहिए ना क्या चल रहा है। बताओ अपनी प्रायोरिटी तो बताओ। यू आर विद मी, यू आर विद हिम। मैं तेरे साथ हूँ, दोपहर को भी अकेला बैठा था। नो नो, यू आर नॉट। चिल्ला मत, खाली चिल्ला मत पे। तू मत चिल्ला, मैं आराम से बैठ के बात कर रहा हूँ। 1 सेकंड, मैं आराम से बैठ के बात कर रहा हूँ। 4 बार मैं देखो जवाब दिया, 4 बार मैं देखो जवाब दिया सेम चीज। वो सोए। मेरे को शारण को बताना नहीं था कि उसका नाम आ रहा है। मैं नहीं हूँ कि अपने अलायंस को बिट्रे करके उसकी उस जैसे आदमी की मदद करो। बट हम सुरभि पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरा टाइम अभिषेक और शारण के साथ ही घूमती है। जब नेहा मैम आए, नेहा मैम ने एक ही बात कही, सुरभि तुम लोग समझ में नहीं रहे हो कि अगर तुम 7 में से किसी एक का भी वोट इधर उधर हो गया, सोनू तो ज़्यादा बंदे उनका नाम ले रहे हैं तो इनसे बोल दो आप नाम सजेस्ट कर दो। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरी गैंग वालों को बोल दो कि अगर मैंने अलायंस का साथ दिया तो दे बोथ ऑफ देम विल स्टैंड नेक्स्ट टू मी व्हेनेवर आई वांट। आई डोंट वांट टू गो एंड अबाउट मी लेटर व्हेन आई एम नॉट इन फ्रंट। फाइन, स्पेशली दिस गाय। कोई बिचिंग मत कर। मेरे को दोगलापंथी नहीं चाहिए। अगर चाहते हो मैं साथ दूं, मैं खुल के चौड़ में साथ देती हूँ, मर्दों की तरह देती हूँ। तुम हो मर्द तो साथ में रहा करो। आई एम ओनली सेइंग गो विद द अलायंस, प्रोटेक्ट योरसेल्व्स गाइस। यू वे टू प्रूव योरसेल्फ इज टू स्टिक विद द अलायंस। आई एम टेलिंग यू दिस टाइम, जस्ट फॉर यू आई एम गोइंग विद द अलायंस। पर नेक्स्ट वोट आउट में अगर अलायंस ने मेरे ना तो फिर आप मेरे को घर नहीं जाने दोगे। तुम देख लो, इतनी ज्यादा बातें, इतने ज्यादा इमोशनल अंडर प्रेशर में मैंने वर्ड यूज कर दिया प्रॉमिस कि मैम मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अलायंस का साथ दूंगी। हम लोग वोट आउट के लिए रेडी हो ही रहे हैं कि हमें Oppo F7 पे मैसेज आया। हेलो रोडीज, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू ऑल। आज कोई वोट आउट नहीं होगा और आप सारे अपनी बैग्स पैक कर लो क्योंकि कल सारी डस्टर्स निकलेंगी 0 के लिए, जो कि इस सीजन की आखिरी डेस्टिनेशन है। मैं बड़ा खुश हो गया बिकॉज मुझे मेरा भी डर था जाने का, घर का। पर निकलने से पहले आई हैव अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम Oppo फॉर टुडे स्टार परफॉर्मर कशिश। कांग्रेचुलेशन कशिश, रोडीज की इस एक्सट्रीम सफर को थोड़ा आसान बनाने के लिए इस ग्रीन एनवेलप में आपके लिए है Oppo F7 25 मेगापिक्सल AI पावर सेल्फी के तरफ से एक स्पेशल लग्जरी एक्सपीरियंस। रोडीज एक्सट्रीम में पहली बार आपको मौका मिलेगा मेक अ फोन कॉल टू योर लव्ड वन। आई वाज लाइक सो हैप्पी दैट टाइम कि मुझे ऑलरेडी अपनी मॉम से बात करे हुए इतना टाइम हो गया है। मैं बहुत ही एक्साइटेड था अपनी मॉम को कॉल करने के लिए। हेलो, नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा, कैसे हो माँ? मैं तो बहुत याद आ रही है। मुझको भी बहुत याद आ रही है आपकी माँ। I want to thank Oppo कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। इतना टाइम दूर रहने के बाद जब मॉम से बात करने का मौका मिल रहा था तो आई वॉज रियली वेरी हैप्पी। Good morning, guys. Oh my God! I got the biggest shock of my life. मैंने देखा सामने खड़े हैं करण कुंद्रा सर, तो वो बहुत एक्साइटिंग था मेरे लिए। उठ जाओ तुम लोग, मैं बाकियों को उठा के आता हूँ तब तक। करण कुंद्रा has been associated with roadies काफी टाइम से। बहुत अच्छा लग रहा था कि करण कुंद्रा is here. Good morning, guys. Good morning. ये है आपका स्प्रेमेंट बॉन्डिंग सेशन। Which one is the scientist? मैंने सुना भाई तुमने तो मतलब परेशान कर दिया गैंग लीडर्स को भी। मैं परेशान नहीं किया, just speak my heart. अच्छा मेरे को ये बता, ऑडिशन में क्या हुआ इस बार? How did you guys get selected? मैं बताऊं? हाँ तू बता ले। मैंने लाइफ में ना बड़ा सा कुछ क्या डांस सिखाया है। मैंने 10 लोगों की जाने बचाई हैं। सेक्स रैकेट में फंस गए थे हम। 19 साल की उम्र में 10 लोगों की जान बचा ली। हाँ। फिर ये सब के बाद मुझे ना रेड बजर भी मिला। You got selected directly. You didn't have to go for calling and everything. And there you? I'm from Chandigarh. हाँ. तो इतना कोई गोल नहीं था रोडीज में आने का। मेरे जिम में I do power lifting. तो जिम में मुझे ऐसे किसी ने सजेस्ट किया कि वो आ रहे हैं तो साथ चल पर। ऐसे luck by chance हो गया और अब यहाँ पहुँच गए। ये देख ले शरण। मतलब कि लोग यहाँ पे 5-5 साल से लक लगा रहे हैं और ये मतलब ऐसे ही आ गई पावर लिफ्टिंग करी। हाँ एक सेट रह गया। नहीं चल ठीक है, रोडीज को ऑडिशन देके आओ। आई मीन लोग मरते हैं रोडीज पे आने के लिए। तुम इतना कैजुअली नहीं बोल सकते कि तुम ऐसे ही रोडीज पे आ गए। उन्होंने हम सब से बात की। इट वाज अ वेरी कैजुअल रिलैक्स्ड सेशन विद हिम। ब्राजीलियन जिजित्सु ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, आपका वेट स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती। अगर आपको टेक्निक्स आती है तो अपने से स्ट्रॉन्ग बंदे को भी हरा सकते हो आप। चल आजा सोनू। अरे भगवान अबे दुख रहा है। ओ भाई साहब आराम से। थोड़ा हैंडस्टैंड का बेसिक आता है। भाई तू बेसिक पे ही रहना ठीक है। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बैक ऑफ माय माइंड मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ हमसे मिलने आए हैं। ऑल्दो ये चीज मैंने किसी से कही नहीं, बट ये मेरे दिमाग में था कि कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं। This is Renault MTV Roadies Extreme, powered by Oppo F7, co-powered by ID Shoes and Durex. The journey to zero is the journey to the final destination. मैं चाहता हूँ कि जर्नी शुरू करने से पहले थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं सब। कंफर्टेबल तभी होता है जब जगह ज़्यादा होती है गाड़ी में। What? ये आपका अगला वोट आउट है। रात को भाई वोट आउट नहीं होगा, डिसाइड हुआ था। रात को वोट आउट नहीं होगा ये हमने डिसाइड किया था। रात अच्छी कटी। जर्नी से पहले इसी वक्त अभी आप में से एक रोडी वापस घर जाएंगे और ये फाइनल जर्नी वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, सुबह जब उठे, it was a surprise that I sent for you. करण कुंद्रा, मैं सोच रहा हूँ कि वोट आउट पे भी करण के साथ मजे कर ही लें। Welcome to Roadies Extreme, Karan. Karan is here to give one of you immunity. Oh. यार तुम लोगों ने ना मुझे हल्के में ले लिया. Oh shit. मैं यहाँ पे इम्यूनिटी देने तो जरूर आया हूँ. तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं आप लोगों से एक इम्यूनिटी छीन भी लूँगा. गैस मैं एक बात पूछना चाहता हूँ यार आप लोगों से. आपको सुबह जब मैं मिलने आया था तो आपको क्या लग रहा था मैं क्या करने आया हूँ? क्यों मैं आप लोगों से बातें कर रहा था? क्यों मैं आपसे एक-एक बंदे से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था? अब उस इंटरेक्शन की वजह से, उस अपॉर्चुनिटी की वजह से किसी को इम्यूनिटी मिलेगी और उसकी वजह से, क्योंकि किसी को इम्यूनिटी मिलेगी, किसी की इम्यूनिटी छिनेगी. Karan, Roadies Extreme. Time to decide. Decision मैंने बहुत पहले ले लिया था. गीतिका, मैं आपकी इम्यूनिटी आपसे छीनता हूँ. You know why? Impact, energy और जो आग मैंने रफ्तार में देखी वो मैंने आपके अंदर नहीं देखी. Okay. अब ये immunity किसको जाएगी वो decision भी Karan का है. Go for it, Karan. So, ये जो immunity है, मैं श्रुति को देता हूँ. जब मैं यहाँ पर आया तो पहला इंसान जिसने इम्पैक्ट क्रिएट किया मेरे आंखों में वो आप थे. एक बहुत ही इनोसेंट एनर्जी है आपके अराउंड, यू नो, जो कि मुझे लगता है कि वो आपको आगे ले जा सकती है. थैंक यू. दैट्स व्हाई आई गिव यू द इम्यूनिटी. थैंक यू. ऑलराइट गाइस, दिस इज इट. Karan, thanks a lot for being here, man. All the best for safe journey. Zero. Yeah. All the best, guys. Okay. I want to make this vote out also simple. आज एक नहीं, दो roadies vote out होने वाले हैं. दोनों roadies जब आप उनके लिए vote करने जाएंगे, cannot be from the same gang. गेम पॉलिटिक्स से नहीं, परफॉर्मेंस से भी जीता जाता है. सो आई थिंक यू शुड गो होम. इसको टारगेट करने का यही रीज़न है क्योंकि शायद ये एक वीक कंटेंडर है. गेम में सारी डर्टी पॉलिटिक्स यहीं से ओरिजिनेट होती हैं. ओके, पहला वोट शरण आपके खिलाफ. अगला वोट रोहन के खिलाफ. अगला वोट शरण आपके खिलाफ. अगला वोट रोहन आपके खिलाफ. अगला वोट शरण करण, कितने वोट हो गए आपके अगेंस्ट? 3 सर। मेरे को लग रहा है मेरे खिलाफ 5 वोट आएंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर नहीं जाता है तो देन आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। ओके, अगला वोट रोहन आपके खिलाफ। अगला वोट गीतिका आपके खिलाफ। बिकॉज उन्होंने बहुत पॉलिटिक्स करी है, कोई परफॉर्मेंस दी नहीं है। दिस इज डन। अगला वोट भी गीतिका के खिलाफ। जो भी गेम खेलती है अपने फेलो गैंग मेंबर के शैडो के पीछे खेलती है, सो दैट्स व्हाई। काफी क्लियर हो रहा है पैटर्न। निखिल, प्रिंस, रोहन, शरण, गीतिका, सुरभि। झूठी नंबर 1। सुरभि, आपने एक्सपेक्ट किया था? अगर सुरभि ने एक्सपेक्ट किया तो किसकी जान बच रही है? मतलब टारगेट तो वही है ना, 2-2 इधर के टारगेट। गीतिका, सुरभि नहीं, अभी क्लियर नहीं हुए, अभी हो जाएंगे। सुरभि, स्कोर 3-3-2। सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। जितनी देर गेम में रहेगी पल्यूट करेगी। गो होम मैन। शरण, प्लान के मुताबिक सब सही जा रहा है? यस, सुरभि के लिए आई नो। अगर सुरभि के लिए ऐसा 2-3 वोट जा चुके हैं। इट्स फ्रॉम दैट साइड ऑफ द बॉर्डर। मैंने रात को आपको एक बात बोली थी ना, मैंने ठीक बोली थी। ये मन में ही बना लेते हैं, इधर से आए होंगे उधर से आए होंगे। ओह शट अप। बोलने का सबको हक है, बोलूंगा। मेरे बारे में नहीं बोलना। कल रात को हाथ मिला के बोला था कि तू मेरी विसिनिटी में नहीं आएगा, मैं तेरी विसिनिटी में नहीं। मैं भी खड़ा हूं। मैंने तेरे बारे में कोई बात नहीं बोली भाई, तू मेरे बारे में मत बोल। इधर मैं भी खड़ा हूं। सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट कैलकुलेशन इन माय हेड कि 2 गैंग। आई एक्सप्लेन्ड यू द होल गेम लास्ट नाइट। मैंने आपको बोला कि मैं अलायंस के साथ जाऊंगी तो नेक्स्ट वोट आउट में मुझे देंगे, आपको बोला मैंने। अगला वोट निकव आपके खिलाफ। गेम चेंज। अगला वोट शरण। कितने हो गए? 4 सर। अगला वोट निकव। निकव के अगेंस्ट 2-2। अगला वोट निकव आपके खिलाफ। अगला वोट शरण। प्रिंस, कुछ बोलना है? बोलने को बाकी क्या रह गया? कभी ट्विस्ट ने ले लिया, कभी ऐसे चले गए, कभी धक्के ने ले लिया। ये जो नहीं तो मेरे लिए इनसे ज़्यादा मुश्किल रही है। शरण, कितने हो गए आपके? 5। कितने एक्सपेक्ट किए थे? 5। उधर क्या एक्सपेक्ट किए पता है? उधर 3 हिस्सों में बट चुके हैं। या अब 5 मतलब हाईएस्ट। अगला वोट गीतिका। ये एक्सपेक्टेड है निकव? हाँ सर, एक्सपेक्टेड है। कितना हो गया? 4। अगला वोट निकव आपके खिलाफ। कितने हो गए? 5। शरण 5, निकव 5, Geetika 5, Surbhi 3, Rohan 3, Votes P 3. अगला वोट है निष्कर्ष आपके खिलाफ। किसने वेस्ट किया है बता दो। मैंने वेस्ट किया। Responsible for this every time. Surbhi. The most loved and the most disappointing. मैंने मैम को जो प्रॉमिस किया है, kept it. कल रात को जो वोट आउट होगा, I'll go with the alliance. आज सुबह का प्रॉमिस नहीं किया था मैंने आपको, और आपने देख लिया मेरे अंगेस्ट 3 वोट आए हैं और यहाँ से नहीं आए हैं. It's not from gang Nikhil and Prince. I'm dead sure. नेहा मैम, मैंने आपको कहा था कि साथ नहीं रही है हमारा. If this is going to cost me nikab Surbhi, then you wait and watch. Well done, Surbhi. After making a promise to me. No, I didn't break my promise. I told you आज रात को vote out जो होगा उसमें मैं बहुत. I said next vote out. सुरभि आज रात को तुम क्या 28 साल की हो यार, साइंटिस्ट हो, ये क्या मतलब है आज रात का जो होगा आज रात. Don't be cute. If you have an extra set of man to man. Wrong is wrong and right is right. I can't take this anymore. I can't take it. Enough, man. You betrayed my trust. You've lost me forever. रोहन, अगला वोट है गीतिका के खिलाफ. Which means रोहन आप बच गए. Congratulations. आपके बाकी के रोडीज ने आपको वोट आउट कर दिया गीतिका. यहाँ पर आने से पहले आप एक और इंसान को अपने साथ लेकर आएंगे. शरण, ये वोट है निखिल. शांत हो जाओ, शांत हो जाओ. रोना नहीं है, रोना नहीं है. You have Shruti as your gang leader from now on. No. Surbhi. No. आपके यहाँ दोस्त हैं. परफॉर्म करोगे? Not at the cost of her love, man. Nikab, I'm sorry, man. I'm sorry. Ma'am, आ रहा था पता है. I'm sorry, man. I'm really fucking sorry. I'm really sorry. I'm really sorry. No, I know she's angry. She's not gonna talk to me. I'm sorry. Your vote could have made a difference. Of course it could have made a difference, Ran. Of course. And if this is going to be three-way communication, please handle it. Because I can't look at her right now. I'm embarrassed, I'm humiliated कि मैंने ऐसी लड़की का side दिया है. पहले ही नहीं देनी चाहिए थी immunity. पहले vote out में out हो जानी चाहिए थी ये. प्रॉमिस टू मी यार, क्या तुम बात करते हो सच्चाई की. मैंने कल के वोट आउट का प्रॉमिस किया था आपको. Enough of your tears. I'm done with you. पूरा अरुणाचल प्रदेश सुनेगा मेरी आवाज. रफ्तार, क्या फायदा इतना जीतने का. गैंग में 4 लोग, तुम्हारे अलायंस में 7 लोग, क्या फायदा उसका जब वोट आउट आए एक नहीं 2 लोग तुम्हारे अलायंस से गए. एक रफ्तार आपके गैंग में से, एक नहीं आपके गैंग में से. मेरे गैंग में एक ही रन. एनी गैंग लीडर हु वांट्स Surbhi कैन टेक. ये बोलना चाहूँगा कि मैम का गुस्सा होना बनता है, बिल्कुल बनता है। उसने मैम का ट्रस्ट तोड़ा है। अगर आज उसकी वजह से कोई घर गया है तो अपने अलायंस में ही खोट है मैम। अगर आज वो अपने अलायंस के साथ चलती तो यही अलायंस कल उसे बाहर निकालेगा। तो कल किसने देखा अभिषेक? मैम कल किसी ने नहीं देखा। लिव इन द प्रेजेंट, ये रोडीज एक्सट्रीम है। मैम सुरभि ने कभी अपने अलायंस में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया है। No, you don't like me. Don't lie on my face. I never said. I never said I didn't like you. Shut up, man. Surbhi, shut up. Shut up. You. कभी आपने हमने कॉन्फिडेंस दिखाया है? जैसे बात करना है. Shut up. Shut up. मैं को निकाला था, तू शरण की होगी थी. मैं को निकालने का रीजन मैंने अपना था. अपना था तो हाँ. तो you are a selfish person. I am also selfish person. अब निकम को निकालने का मेरा अपना है बस। क्या रीजन है? है मेरा रीजन। प्लीज लेट मी जस्ट क्लैरिफाई यू। मैंने महक को वोट आउट क्यों किया था? क्योंकि मेरे को पता था कि ये साइड मेरा यूज करी और मेरे को लात मारेगी एक दिन। महक को वोट करके मेरा कोई फायदा नहीं होता, लेकिन मैंने ट्रस्ट जीता 5 लोगों का। और अगर मैंने महक को वोट आउट नहीं किया होता, आज मैं वोट आउट होकर घर जा रही होती, क्योंकि उन सब ने मुझे वोट आउट किया होता। द रीजन इज नथिंग, द रीजन इज इटसेल्फ ब्रेन वॉश, जो इतनी अक्लमंद लड़की का किसी ने कर दिया है। सुरभि, तू बच गई, पर तेरी गैंग से कोई गया है। Do you not understand? I understand. You don't understand. This is a good time to understand, सुरभि. और ये जो तुमने ट्रस्ट जीता है ना अपने बाकी 5 दोस्तों का, you've lost me forever. Don't say that. Well, tough luck, lady. एक बार पहले मैंने इनको बोला था मिनी को बचाने की कोशिश करो। उस दिन मेरी प्रिंस से लड़ाई हुई थी। प्रिंस, आज मैं माफी मांगती हूँ। It was my fault. मुझे realize ही नहीं हुआ। Can I explain you something? No, Surbhi. I hate the sound of your voice right now. You haven't seen my bad side, and it's high time you do. वोट बैंक खरीदने के चक्कर में अपना ही गैंग खाली करती है। कशिश, तू बच के रहे यार। That's all I can say to you right now. निकल, गीतिका। सोनू बहुत क्लोज है, आप और गीतिका क्लोज, बहुत अच्छे दोस्त हैं। सर बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं था, वही मेरे साइड खड़ी रहती थी और उसको सबने कॉर्नर आउट कर दिया था। उसके पास मैं था और मुझे कॉर्नर आउट कर दिया था। मेरे साथ वो थी बस। आप जेन्युइनली किसको लाइक करते हो? सोनू इज माय वेरी गुड फ्रेंड, वो बेस्ट ऑफ ऑल। एंड एक कशिश है, मतलब सब बोलते हैं कि वो दोगला है, व्हाटएवर है, बट अगर आप रियलाइज करोगे उसके लिए पिक्चर डे 1 से क्लियर थी कि उसको किन के साथ रहना है, किन के साथ नहीं रहना। प्रिंस, निखिल, नेहा, रफ्तार, मेक श्योर कि आप एक सेफ जर्नी करें। ड्राइव सेफ एंड यू गोइंग टू द लास्ट डेस्टिनेशन 0। आई एम गोइंग टू सी यू गाइस देयर। बेस्ट ऑफ लक।